इसलिए कभी भी आप कोलकाता में ओयो से या फिर गोवा बिबो से तो कभी मत बुक करना, बहुत ही खराब बात है। हेलो ऑल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार और स्नेह। थोड़ा एंथुसियास्टिक लग रहा है क्योंकि मैं सोचा कुछ नया करता हूँ कोलकाता में रहकर, बहुत अपने रूम में तभी से रह लिया, तो मैं सोचा एक दिन होटल में जाके रहता हूँ, देखता हूँ होटल का क्या सीन है, क्या सीन नहीं है और कैसा होटल है यहाँ पे कोलकाता में न्यू टाउन राजरहाट के आसपास और ऋषभनगर के आसपास, मतलब न्यू टाउन। तो आप लोग को कैसा होटल, अगर आप लोग कभी आते हो तो कहाँ स्टे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सब बताएंगे। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, इफ वॉन्ट टू गो टू एयरपोर्ट, देन राजरहाट एंड न्यू टाउन इज नियरेस्ट टू एयरपोर्ट एंड देयर यू कैन स्टे इन ओयो रूम्स और इन अनदर होटल्स ऑल्सो, वेरी गुड होटल्स आर देयर। बट एक फैक्ट है कोलकाता का, अगर आप ओयो से बुक करोगे या फिर गोवा बिबो या फिर यात्रा किसी से भी बुक करोगे सस्ते में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये यहाँ पे है खास बात नहीं कह सकते, बहुत ही खराब बात है। इसलिए कभी भी आप कोलकाता में इस साइड न्यू टाउन राजरहाट साइड बुक करोगे ओयो से या फिर गोवा बिबो से तो कभी मत बुक करना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे यहाँ पे आने के बाद। इससे अच्छा आप ऑफलाइन या यहाँ पे 1000 रुपये पे करो एक रूम का, उसके बाद एक रूम में 2 या 3 जन रह सकते हैं, 1000 रुपये पे करो अच्छा रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको 1000 रुपये में मुझे कैसा रूम मिला है, जो कि विश्व बंगला गेट के पास है, फैब होटल। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, लोकेशन सब कुछ डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो यहाँ पे आप आके आराम से 1000 रुपये में रह सकते हो, बेड ऐसा है कि 2 से 3 लोग सो सकते हैं आराम से, तो ये सही है। अब देखो थोड़ा फ़ोन को इस तरह कर दिया, आप लोग एडजस्ट कर लेना। सो यहाँ से एंट्री है, एंट्री करके ये मिरर है, पहले गेट बंद कर देता हूँ, मैं आपको ऊपर से भी बंद कर देता हूँ। तो गेट कुछ इस तरह का लॉक का है, यहाँ पे की डालने से ऑन हो जाएगा, की के बदले अभी कुछ और डाला हुआ है क्योंकि यहाँ का की खो गया है। वाईफाई का पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा मिरर, जो कि मिरर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गेट के पास ही है और ये गेट के पास ही बाथरूम आ जाएगा, तो बाथरूम आप देख सकते हैं। बाथरूम भी अच्छा है, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है बाकी कुछ ओयो से तो अच्छा ही। जो 1000 रुपये 1200 रुपये पे करते हैं बिना फालतू का, तो ये ओयो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गोवा बिबो वगैरह में ये है। और इस तरह से कुछ रूम है, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 2 आदमी के लिए बहुत सही है। चार्जर वगैरह सब यहाँ पे है, ये पता नहीं किस तरह का लाइट है और ये बेड रहा। अब बेड आप देखेंगे तो अच्छा है, जो एक गद्देदार बेड होना चाहिए, तो दिस इज़ गुड। एसी इज़ देयर, एसी इज़ ऑन, तो आपको एसी ऑन रखना नहीं रखना आपके मन में। फ़ैन भी है एकदम सही हाइट पर, अच्छा हवा दे रही है। और इस तरह से आपको बोतल सर्व करेंगे वो लोग पानी का, एक चार्जेबल बोतल होता है, एक विदाउट चार्जेबल बोतल होता है, जो मैं विदाउट चार्जेबल लिया हूँ, आप लोग भी यही लेना, ये भी अच्छा ही पानी रहता है। क्योंकि अगर चार्जेबल वाला लोगे तो चार्ज वाला बोतल लोगे तो वो भी कोई बिसलेरी का रहता नहीं, नॉर्मल रहता है। सो ये ठीक है बिना चार्जेबल। टीवी ऑन नहीं किया हूँ लेकिन रिचार्ज किया हुआ, टीवी ऑन करके आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा 400 डायल करके नीचे रिसेप्शन में, आप कुछ भी हेल्प या कुछ भी खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बेड है और ये खिड़की, अगर खिड़की से इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से करके इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। और बाहर तो व्यू तो उतना तो पता नहीं क्या आ रहा है, अभी तो कुछ खास नहीं, तो अभी इसको रहने देते हैं। ये आपको एक अलमीरा दिया गया है, अलमीरा को अगर ओपन करें तो, अभी मैंने कुछ डाला नहीं लेकिन अच्छा खासा एक बड़ा सा अलमीरा दिया हुआ है। तो रूम बहुत अच्छा है, 1000 रुपये में आसपास के हिसाब से सही रहा है ये रूम। और मैं आपको फूड मेनू भी दिखा दूंगा, क्योंकि आउटसाइड फूड भी अलाउ है लेकिन इनका यहाँ अंदर का भी फूड है, जो कि आप 11 बजे तक ऑर्डर कर सकते हैं, 11 बजे के बाद ये ऑर्डर नहीं लेता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का रेट क्या है, आप एक बार रेट देख लो फूड का, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अगर लेना है तो। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, रोक ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, रोक नहीं रहा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कुछ फूड वगैरह यहाँ पे ऑर्डर करना है तो। ये इंटरकॉम का ऑर्डर कॉल इमरजेंसी ओनली, ठीक है। ये रहा थाली वगैरह है एक्स्ट्रा, और ये भी है हुक्का वगैरह, मेन बात है इस होटल में हुक्का वगैरह, और मतलब हुक्का वगैरह आपको रूम में ला के दे देंगे, हुक्का सिगरेट वगैरह, होटल ऑफ फ्लेवर्स। तो ये रहा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, कॉन्टैक्ट करके बुक मत करना, ज़्यादा चार्ज करेंगे, यहाँ पे आके आप करना बार्गेन कर लेना, 1000 रुपये में कर देंगे। तो रूम में इस तरह से कुछ दिखा दिया आपको, रूम कुछ इस तरह से था, बाकी सही है 1000 रुपये में। क्योंकि अगर आप कोई भी ओयो जाओगे या कुछ भी आप ऑनलाइन बुक करोगे, वो लोग एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे, उसको 1200 रुपये बना ही देंगे, या फिर कोई भी ओयो जाके नजर बोलेंगे, वो लोग 1000 रुपये चार्ज करेंगे, ज़्यादा 1200 रुपये बोलते हैं। कब वीकेंड में आओगे तो लोग 1200 रुपये बोलते हैं, सैटरडे संडे नॉर्मल डे जाओगे तो 1000 रुपये 1200 बोलते हैं। और ओयो की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है, ये मेरे ख्याल से फैब होटल है जो कि ओयो नहीं है, और इसकी कंडीशन अच्छी है ओयो से।
ज़्यादा भगदड़ भी नहीं मचा हुआ, लोग ज़्यादा बोले भी नहीं, 1200 रुपये बोले, मैं 1000 में मान गया एक ही बार में। अगर आप लोग 800 या 900 भी बोलोगे तो लोग मान जाएंगे अगर आप वीकेंड में नहीं आते हो तो। इसी तरह मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर करूँ। एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना, प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन बुक करके यहाँ पर अगर आओगे तो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, खास करके ओयो वाले, खास करके ओयो वाले चार्ज करेंगे ही करेंगे हर जगह का ओयो। तो ये बहुत ख़राब बात है, ये ओयो वालों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बहुत ख़राब बात है यहाँ पे। और कहीं नहीं होता, मैं चेन्नई में रहा, दिल्ली वगैरह में रहा, होटल्स वगैरह में, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ओयो का ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, बहुत बड़ा। सी ये लेस जो कि 30 रुपये का है, और ये आइसक्रीम जो कि 700 ml है, 125 रुपीज़ का है, और बहुत अच्छा पैकेजिंग के साथ, मतलब पिघलेगा भी नहीं। ये देखिए ये आइस पैकेट्स इन्होंने दिया हुआ है साथ में, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये पिघलेगा नहीं, ये एकदम ठंडा ही रहेगा आइस पैकेट के साथ। तो इस तरह का पैकेज आया था इंस्टामार्ट में। बिल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बिल दिखा रहा होगा आपको, 157 टोटल GST वगैरह, लेकिन मैं इस दोनों को मंगवाया हूँ 95 रुपीज़ में बस। ये 125 का, ये 35 का, अगर मार्केट में ले जाओगे तो 125, और ये 155 का पड़ेगा, लेकिन इंस्टामार्ट से मैं वो भी रूम में डिलीवर करके जा रहा है, वो भी इस तरह से, वो भी 95 रुपीज़ में। तो ऑफ़र लगा के मंगवाया हूँ, तो बहुत अच्छा है ये, बहुत सस्ते में हो जाएगा, आप लोग भी इंस्टामार्ट से मंगवा सकते हो। तो इस तरह का होटल में अकेले मज़ा लेते हुए, अगर रूम में रहता हूँ तो दोस्त से बात करते करते टाइम बीत जाता है, लेकिन होटल में ये देखिए, इसमें आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं, या लेज है, मस्त मूवी चल रहा है, मूवी देख रहा हूँ, देखिए आइसक्रीम खा के। इस तरह से मस्त चल रहा है। रात को अभी सोने जा रहा हूँ तो मुझे ये लाइट बहुत पसंद आया, ये लाइट आपको दिख रहा होगा, ये लाइट, ये छोटा सा लाइट आपको दिख रहा होगा, और ये लाइट तो दूर से देखने से कुछ ऐसा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सोने का माहौल लग रहा है। तो ये होटल मैं जरूर आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अच्छा लग रहा है एकदम।